संगीता झा, दोनों हाथ जोड़कर गोर लगे छी अपने लोगन के। बहुत दिन भ गेल हमरा खिस्सा कहला, तो किछ गोटा के छलन हो जे खिस्सा बहुत दिन से नहीं कहलिए, सही बात छे। तो हम एक हरमोहन झा जी के खिस्सा लोग अपने सब लग में उपस्थित भेलो है। खिस्सा के शीर्षक छे ग्राम सेविका। ग्राम सेविका वो जमाना रहे जे टाइम में ग्राम सेविका के की कहल गेले, की भेले ओकरा सने से सबटा हसरे में छे। अपने सब सुनी, चलो लो चले छी ओ गाम में, जे गाम की जे गाम में ग्राम सेविका एली है ते गाम अपने सब के लो चले छी। आ ओतक केना शुरुआत होय छे से अपने सब सुनी। मकुनाही पोखर पर लुटन मिसर के मुंह धोइत देख काशीनाथ बजला, वैद्य जी एकटा नव गप सुनलिए ये। वैद्य जी साकांत छोड़ कहलखिन, की हो कौन बात? काशीनाथ बजला, अपना इलाका में एकटा ग्राम सेविका आयल अछि। वैद्य जी पूछलखिन, ग्राम सेविका के की अर्थ? की ओ संपूर्ण गाम के लोक के पैर दबेती? काशीनाथ कहलखिन, ओ घर घर घूम कर स्त्रीगण सबके शिक्षा देती। वैद्य जी, की शिक्षा देती हो? काशीनाथ, यह जे पर्दा तोड़ कर कोना सब काज कैल जाए। वैद्य जी दतमैनक जिभिया फेंकत बजला, आप जे ने हो। फूदन चौधरी घाट पर बैसकर लोटा मोजित रहत ई गप सुन कर बजला, ओकर उमर ओकर बैस की हेते? काशीनाथ ठिकियावेत कहलखिन, यह करीब 18-19 साल के हेते। चौधरी जी बजला, विवाहित अछि कि कुमार? काशीनाथ कहलखिन, देख में तो कुमारे जका लगे छले। चौधरी जी कहलखिन, तखन ओ अनका की सिखेते? ई तो भेल जे पोती सिखाबे बुढ़दादी के। काशीनाथ कहलखिन, चौधरी जी से नहीं कहियो, ओ बहुत पढ़ल छे, तई सरकार ए काज पर ओकरा बहाल केलकैया ने। चौधरी जी कुरूर करत बजला, हौ तो सरकार के की बुझे छ? अनकर बहु बेटी के नचा कर देख में बड़ निक लगे छे, पतिव्रता से ओकरा कौन काज? ताबत कान पर जनऊ चढ़ौने पहुंच गेला पंडित जी। बजला, अय युग में भ्रष्टक उदय छे, जे स्वयं भ्रष्ट रहत अछि से सब के अपने सन के बनाब चाहे छे। ओ आब के सौसे गामक मौगी के सबके दूर कक छोड़ती, तखन की एकोटा बेटी पुतो कथा मानत? ओकरा ग्राम सेविका नहीं ग्राम शोधिका बुझू। बौकू बाबू एति काल धरि जल में ठार भेल मंत्र जपै छला, आब नहीं रहल भेलन। बजला, हम तक किन्नो नहीं ओई छोरी के अपना आंगन टॉप देवे। काशीनाथ, बाबा ओना छोरी नहीं कहियो, ओ अवसर भ के आयल अछि। बौकू बाबू तमसाइत बजला, एहि गाम में अवसरी के शान नहीं चलते, जो हमरा घर के बिगाड़ आयत तो झोट ध के मारि करची से घूट तोड़ देवे। तावत बौकू बाबू के पोता हकमैत पहुंचल। बाबा पूछलखिन, की हो भुटकुन, एना किया दौड़ लेला है? घर में सांप आयल छ की? भुटकुन हकमैत हकमैत कहलकन, एकटा मौगी खूब उज्जर नुआ पहिरने आयल ए, दलान में कुर्सी पर बैसल ए, कहे छे जे अंगना जाकर सबसे भेंट करब। माँ और काकी तो तैयार छथिन, मुदा दादी कहलक जे दौड़ का अपना बाबा से पूछने आब। बौकू बाबू सशंकित होत पूछलखिन, ओ के अछि, की कर आयल अछि? हमरा अंगना से ओकरा कोन काज छे? भुटकुन के चुप देखी काशीनाथ पूछलखिन, की हो भुटकुन? ओकरा ओकर माँ तो उघारे छे ने? भुटकुन हाँ कहलके। काशीनाथ, हाथ में बैगो छे? भुटकुन हाँ। काशीनाथ, तकर निश्चय वह अछि,
बोकू बाबू तामस सब बता होत बजला, हरा संखनी के और कोनो घर नहीं भेटल, सबसे पहिने हमरे शोध आयल। पंडित जी वैद्य जी चौधरी जी मुस्कुरा उठला, बोकू बाबू के किछ नहीं फुरेलन, चट द एक थापर भुटकुन के गाल पर लगा देलखिन। जखन बोकू बाबू अंगना पहुंचला त चकित भ गेला, जकरा ओ भरि बाट डाइन राक्षसी उल्टा नाना प्रकारक उपाधि दैत आयल छला, तकरा देखै छत जे आंचर कसने एक हाथ में झाड़ू आ दोसर हाथ में फिनाइल देने आंगन के साफ करो में लागल अछि, और अपना अंगना के स्त्रगण घोघ तन ने बकर बकर देख रहल अछि जे बोकू बाबू के अंगना में अबिते मोरी के गंध लगे छलन से आई खुलकर सांस लेलन। जय असोरा पर सब दिन कचरा के ढेरी टाइप का जाय पड़े छलन, आई देखै छत जे एकदम लाइन क्लियर अछि, कतौ एकोटा फालतू चीज नै। चौकठ लग एकटा कोयला सनकारी लालटेन टांगल रहै छलन, से कै दिन माथ में ठेक जायत छलन, आई देखै छत जे ओ लालटेन साफ चमकत एक कोन में खुट्टी सा टांगल अछि। ई काया पलट कोना भ गेलै, हुनका घर में 6 मास से जे झोल जन्मल छलन तकर आई नामो निशान नहीं। बोकू बाबू सोचा लगला, आहा एहन संस्कार वाली यदि अपनो घर में रहत तो सब दिन एना गद किचन किया हुई। बोकू बाबू पूजा पर बैसला तो खिड़की से देखाई पड़लन जे ओ छौड़ी पछवार में ठार अछि, कन्हा में बैग लटकोने जय पर सुंदर अक्षर में विमला देवी लिखल अछि। एकटा नेबो के गाछ में कीड़ा लागल छले, तै में ओ कोनो दवाई छोड़ कर पिचकारी दो रहल छल, बीच बीच में जनानी सबके किछु बुझा से हो रहल छले। देखत देखत एकटा आश्चर्यक बात भ गेल, बढ़ा वाली साउस के देखा देखी हरदम नाक झपने रहे छली, से एकाएक विमला देवी के निर्देशानुसार हाथ में कोदारि लेलन और बारी में नेना द्वारा अपवित्र मैल माटि के काटि कर फेंकऽ लगली। देखत देखत बारी एकदम साफ। थोड़े काल बाद विमला देवी साबुन लकर हाथ धोलन, एक मिनट बच्चा के दुलार केलन, तखन दुनू हाथ जोड़ कर सबके नमस्ते कक विदा भेली। बोकू बाबू मंत्र मुग्ध भ देखत रहला, ई त चंडालनी जका नहीं सुकन्या जका लगैया, जत जात तत स्वर्ग बना देत। बेकार बेचारी के ओतबा अपशब्द कहलिए। बोकू बाबू दुर्गा पाठ करे लगला, मुदा घूर फूर क वह लालठो पर उज्जर साड़ी वाली ध्यान में आब जाए। भोजन काल बोकू बाबू अपन कनिया के कहलखिन, देख लिय बंगालनी के पानी। कनिया कहलखिन, ओ बंगालनी नहीं देसी अछि। बोकू बाबू कहलखिन, ई हम मान नहीं सकै छी। कनिया कहलखिन, बंगला नुआ देखने नहीं बुझियो, ओ मिथिलानी अछि, कमलपुर घर छै ओकर। ई सुनते बोकू बाबू के धक द लेलकन, पहलुक प्रफुल्लता खुशी विलीन भ गेलन। सियाह होत मन में सोचा लगला, बंगाली या पंजाबी रहते त सबटा छजते, लेकिन मैथिल कन्या भक एना करैये, अनकच्छल बात। ई भेल देसी मुर्गी बिलाइती बोल, बजला एकरा माय बाप नहीं छे कि, एखन धरि कुमारे किया अछि। कन्या कहलखिन, हम पूछलिए हे दाई, तो एहन सुंदर छ विवाह किया नहीं करे छ, तो हंस लागल बाजल, बच्चा जन्माबा वाली देश में बहुत गोटा छथि, एखन सेवा करे वाली के कमी छे, ते हम यह रास्ता अपनौने छी। हम कहलिए हे दाई, तोरा एक एतबेटा में एतक ज्ञान कोना भ गेल। ई सुनैत ओ हंस लागल,
बोकू बाबू कहलखिन अन्य देशी रहत तो सबटा बात हम मानि लितिए, परंतु अही माइट से बहरा क एतबा शान देखात से कोना मानि लेबे। ई चाली भ क सांपक देखाउस करैया, किछु भ जतै त सबटा फुसफुची बाहर भ जतै। कनिके दिन में विमला देवी के ज्योति से घर घर आलोकित भ उठल। बुचौली वाली के इनार में कीड़ा सहसा करै छलन, से आब ब्लीचिंग पाउडर पर साफ भ क एकदम सुंदर लगै छन। जहां बंगटक नाक में हरदम पोटा लटकल रहै छलन, तहां आब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ल क ओकर नाक साफ कैल जाय छै। खुटौना वाली के बच्चा जे दुर्खा में नदी फिरे छले, से घर से बाहर जाकर लघी क अबैत अछि। एवं प्रकारे गामक अमूल परिवर्तन भ गेल। विमला देवी के डर से कोनो बच्चा के आँखि में कांची नहीं रहै छले। सभक नौह साफ, सड़क पर नाक मुनबा के काज नहीं। सभक बारी में कोबी टमाटर आ मटर के छीमी लहराइत छल। भिट्ठो वाली विटामिन बुझा लगली। एक दिन किछु लोग दलान पर बैसल रहत, देखै छथि जे समौल वाली जे विधवा रहे से खेतक आड़ि पर बैस क धान कटा रहल छथि। ई देखते पंडित जी के लेस देलकन, बजला आब गाम में अकरहर भ रहल अछि। काशीनाथ कहलखिन घर में पुरखक पुरख पात नहीं छन, त स्वयं कटवा रहल छथि, अहि में कोन दोष। पंडित जी बजला सै छलन तो दोगदाग से कटवा लितथ। एना बीच ठाम बैस क पुरुख के छाती पर मूंग किया दर्रै छथि। काशीनाथ कहलखिन ग्राम सेविका। ग्राम सेविका के नाम सुनते पंडित जी के क्रोध भरे उठलन। हुनका पहिने घर घर से नोत अबै छलन, विमला देवी के एला से नोत एनाय बंद भ गेल छलन। तै दुआरे खौझाल रहे छला। बजला गाम में तेहन ने चंडाली आयल जे आब एकोटा धर्म कर्म अई गाम में नहीं रह देत। बैदो जी ग्राम सेविका से प्रसन्न नहीं छला, कारण जे विमला देवी बभन टोली से मुसहर टोली तक घरे घर जाकर स्त्रगन के मुफ्त दवाई दो अबै छली, तते की युवती के सुइयो देनाय सिखा देने छली। अहि सब से वैद्य जी के आमदनी मारल जाय छलन। ओ फुफकार छोड़ैत बजला सब फसादक जड़ यह ग्राम सेविका अछि। जो किछु दिन और अहि गाम में रह गेल तो हमरा सब के निर्वाह हैब कठिन भ जायत। चौधरी जी के अपना घरक मर्यादा पर गर्व छलन। बजला जो हमरा घरक स्त्री एना करती तो गर्दन में एतबा बजैत बजैत चौधरी जी एकाएक चौंक उठला, जेना बिजली के तार से करंट लागि गेल होन। सड़कक कात कोलुआर में हुनके कनिया ठाड़ भ क गुड़क चेकी बनवा रहल छलखिन। चौधरी जी चुप भ गेला। वैद्य जी पंडित जी दिस देख आँख मारलन। पंडित जी बजला कलिकाल जेने कराबे। वैद्य जी उत्तर देखिन कलिकाल की करते, हमरा आंगन में हरगिज एना नहीं भ सकैया। परंतु वैद्यो जी के गर्व खर्च होत देरी नहीं लगलन, कारण जखन ओ पंडित जी के संग सड़क पर एला तो देखै छथि वैदाइन अपना 5 वर्षक कन्या के आंगुर पकड़ क स्कूल में नाम लिखाब जा रहल छथि। वैद्य जी अनठा क दोसर बात ध लेलन। पंडित जी मुस्कुरा उठला। हुनका विश्वास भ गेलन जे ग्राम सेविका सब स्त्री के बहतरा बना दिलकै, केवल हुनके पंडिताइन टा बाँचल छथि। अहि विचार से प्रसन्न होइत पंडित जी अपना दलान में एला त स्तब्ध रह गेला। पंडिताइन दरवाजा पर ठाड़ भेल अपना सौमध से निर्धोख भ गप क रहल छली। पंडित जी के देख सहज शांत स्वर से बजली, देखू त कते काल से समध बैसल छथि, आप अहा दुनू गोटा गप करू, हमरा अंगना में काज अछि।
पंडित जी ई दृश्य देख अबाक रह गेला। एक दिन संपूर्ण गामक लोक आंख खोल कर देख लेलन जे नारी समाजक सामूहिक शक्ति केहन हुई छे। दुए वर्ष में गामक काया पलट भ गेले। तेहन उत्साहक लहर आयल जे फूदन चौधरी के भाबो स्कूल में मास्टरी करे लगली। बैदान के बेटी नर्सक काज सीख लगली और पंडितानक पुतो रेडियो में जाकर बाजा लगली। ग्राम सेविका नारी समाजक उन्नति देख पुलकित भ उठली। एतबा कम दिन में एहन क्रांति हुनका आशातीत सफलता भेटल छलन जेना ककरो रोपल कलम दुए वर्ष में फर लागे। तेहन आनंद से हुनक हृदय भर गेलन। परंतु आई ओ अपन उद्यान के छोड़ के जा रहल छथि। हुनका दोसर इलाका में बदली भ गेलन। आई विमला देवी गाम से विदा भ रहल छथि। ताही उपलक्ष में सभा आयोजित अछि। पुरुषों से बेसी महिला के संख्या देखाइत अछि। सब महिला के आंखि में नोर भरल अछि जेना कोनो बेटी सासुर जा रहल हो। नव युवती सब विमला देवी के फूलक माला पहिरौलन। युवक सब मान पत्र देलखिन। वृद्ध लोकन दुर्वाक्षत ले आशीर्वाद देलखिन। बूढ़ी सब मिल खोइछ देलखिन। पंडित जी के पिता मही कहलखिन, बेटी तोहर गुण हम कहियो नहि बिसरब। हमर सबके आंख निपट छला से तो आबि कऽ खोल देला। भगवान तोहर कल्याण करथुन। विमला देवी अत्यंत नम्रता पूर्वक उत्तर देलखिन, हम अही सबके बेटी छी। सेवा करब हमर धर्म अछि। हम केवल अपन कर्तव्यक पालन केलौं। अइमे हमर बड़ाई या कोनो सफलता के श्रेय हमर नहि अहाँ सबके अछि जे सब गोटा मिल कऽ हमरा सहयोग देलौं। अहाँ सब गोटा जे हमरा स्नेह प्रदान केलौं से हम जीवन भर याद राखब। अही अधिकार पर हम एक वस्तु मंगै छी। अइ गाम में जे ज्योति जागल अछि तकरा मिझा नहीं देबै। यह हमर सबसे बड़का विदाई अछि। लोकक आंख भर गेले। भगवान करत घर घर में एहने विमला सन बेटी हुए। गामक बेटी पुतोह श्रद्धा बस विमलाक आरती उतारा लगली। एकटा युवती हारमोनिया पर समदाउन उठौलन। तखने टमटम से उतरला बतहू बाबू जे आई 3 वर्ष पर कामख्या से आबि रहल छथि। स्त्री पुरुष के एहन अद्भुत सम्मेलन देखि ओ क्षुब्ध भ कनी काल आंख फाड़ि कऽ तकैत रहला। एहिठाम एना भैरवी चक्र किया लागल अछि। पुनः अपन आंख कान टोलन जे कतौ गड़बड़ तऽ नहि अछि। तखन अपन पोता के सोर केलखिन, की हो बुच्चन, की करै छ? सौसे गाम बताह भ गेल अछि कि हम बताह भ गेल छी? बुच्चन पैर छुबैत कहलखिन, बाबा एको शब्द नहि बजियो। आबे गाम सम्मत भेल अछि। बहुत रास धन्यवाद। आशा करै छी अपने लोकन के नीक लागत। शिक्षा बहुत जरूरी। बेटी अथवा बेटा दुनू के शिक्षा उतबे जरूरी, मुदा ओहू से बेसी जरूरी संस्कार। हम अपने सबसे आग्रह करब जे अपने सब अपन धियापुता के शिक्षित अवश्य बनाबी, संगे शिक्षा में कनिको त्रुटि नहीं करी। माटि से जोड़ के अपन माटि से, अपन मिथिला के माटि से, अपन मिथिला के संस्कार से धियापुता के जोड़ के राखी। हमर अहाँ के मिथिला के परंपरा जे अछि आदर सम्मान स्वागत, पैघ छोट में अंतर, ई कखनो नहीं मिटा दी, कखनो नहीं चाहे कतौ रही, जतौ रही। अगल बगल वाला के सेहो बुझा दी जे हम मैथिल छी, हम मिथिलानी छी।
चूंकि हम अपने करे छी ते अपने हो सबसे आग्रह करे छी आ एकर जे प्रतिक्रिया होई छे हमरा प्रति लोक के ओ हमरा बड़ आदर बड़ सम्मान दैय ओ चाहे हमर मिथिला के होइत बिहार के होइत वा नहीं होइत बड़ नीक लगे छन जे हम एते दूर रही कर एते दिन से बाहर रही कर सेहो हम अपना आप के एकटा मैथिलानी के रूप में ठार रखने छी खूब नीक जका खूब मजबूती से गर्व के संग कहै छी जे हम मिथिला के छी और हमर सब के संस्कार है तो तैं अपने सब से आग्रह जे अपने सब सुनी आ एकरा बुझ के सुनी आ एहि पर चलबो करी बहुत रास धन्यवाद बहुत रास धन्यवाद।